गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का लास्ट पेपर, दैट इज द पेपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पेपर में मैंने यहाँ पे टोटल जो है 16 क्वेश्चंस नोट आउट किए हैं बोर्ड पे, और आपके एग्जाम में भी 16 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इनको आप एक बार थोरली देख के जाइए क्या क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 50-60% यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको एक बार देख के जाइए। आज ही आपका पेपर है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो एक बार देख के चले जाए, 3 बजे पेपर है, तो इसका आपको फायदा लाभ मिल सकता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहुंच रहे क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आरएस फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन इन डिटेल ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर आरएस फ्लिप फ्लॉप। आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका ट्रुथ टेबल, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, उसका एक्साइटेशन टेबल, ये सब सारी बातें उसके बारे में बतानी है। और इसी के एवज में वो ऐसे भी पूछ सकता है, ये ना पूछ के ऐसे पूछने की, एक्सप्लेन ऑल दीज अबाउट टर्म्स फॉर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसके लिए भी वो यही सारी बातें पूछ सकता है कि भाई उसका ट्रुथ टेबल बता दीजिए, उसका एक्साइटेशन टेबल बता दीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बता दीजिए। दोनों में से एक पूछ सकता है, आरएस फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, दोनों के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों को तैयार करके आप चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन असिंक्रोनस, और इसी को कहते हैं रिपल काउंटर, सेकंड है सिंक्रोनस काउंटर, तीसरा है रिंग काउंटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स से पूछ सकता है कि रजिस्टर और काउंटर से आप क्या समझते हैं, बताना है उनको। इसके साथ ही उसके टाइप्स की बात कर रहा है कि असिंक्रोनस जिसको हम रिपल काउंटर कहते हैं वो क्या होता है, उसको डिटेल में बताना है। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है या फिर कैसे कहेंगे रिंग काउंटर क्या होता है, इन सब के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट पता है आपको, शॉर्ट नोट जब आता है तो एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का, दूसरा पार्ट उसका 7.5 नंबर, मतलब टोटल 15 मार्क्स का दो पार्ट आपको करने होते हैं। तो पहला है एनकोडर, एनकोडर क्या होता है, दूसरा है डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, और तीसरा है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। इनमें से कोई सा एक को पूछ सकता है कि कहीं एनकोडर पूछ सकता है, या तो मल्टीप्लेक्सर पूछ लिया या फिर डीमल्टीप्लेक्सर पूछ लिया, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, इनको भी आप एक बार देख भी जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सीक्वेंशियल सर्किट, ऑल्सो एक्सप्लेन एसआर एंड डी फ्लिप फ्लॉप। सीक्वेंशियल सर्किट से आप क्या समझते हैं, साथ ही एसआर और डी फ्लिप फ्लॉप को समझाना है। तो डी फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन, एक उसका ट्रुथ टेबल और एक उसका सिंबल बना दिया, वहीं से काम चल जाएगा अगर शॉर्ट नोट में पूछता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सीमॉस लॉजिक एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सीमॉस लॉजिक से आप क्या समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की विवेचना कीजिए, 5 नंबर में पूछ सकता है, इसको भी आप देखते जाएंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टीटीएल सर्किट फॉर नॉर गेट एंड एक्सप्लेन इट। नॉर गेट के लिए आपको टीटीएल सर्किट बनाना है, और बनाने के साथ आप उसे एक्सप्लेन भी करेंगे, और क्या पता हो दूसरे गेट के लिए पूछ लें, नैंड गेट के लिए पूछ लें, तो उसके लिए भी आपको आना चाहिए, एक बार आप इसे भी देखते जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीवाइब्रेटर, डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मेंशन इट्स यूजेज। मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, इसी के साथ अस्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के जो क्या ऑपरेशन है उसके बारे में बताना है, और इनके कहाँ पे यूज होता है, इनके यूज के बारे में बताना है। अस्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहाँ यूज होता है, इनके यूज के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज, तरह तरह की जो मेमोरीज है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, 5 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोलिथिक आईसी, आईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आईसी का वहां आएगा। मोनोलिथिक आईसी क्या होता है, एक्सप्लेन बेसिक आइडिया ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी। आईसी टेक्नोलॉजी जो जनरली हम यूज करते हैं आज के समय में, उसके जो बेसिक आइडियाज हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी डिवाइस, एक्सप्लेन रैम एंड रोम ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी डिवाइस को क्लासिफाई करना है, डिटेल में क्लासिफाई करना है, साथ ही रैम और रोम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक्सप्लेन करना है, सिलेबस का पार्ट है, 100% पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल, शो हाउ अ फुल एडर एड्स अ बाइनरी नंबर 111 एंड 101।
सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल की सहायता से या उसकी मदद से आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि फुल एडर या फिर इसकी जगह वो हाफ एडर भी दे सकता है, बताना है कि वो कैसे जो है दो बाइनरी नंबर को ऐड करता है, दो बाइनरी नंबर आपको दिए हुए हैं 111 एंड 101, इसको कैसे फुल एडर ऐड करता है, इस सब बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सिर्फ वर्किंग बतानी है, डिफाइन नहीं करना है, इसके ऑपरेशन नहीं बताना, जस्ट वर्किंग पांच नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका मतलब होता है कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में बताना है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला लिख दिया, उसका प्रिंसिपल लिख दिया, पांच नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी मॉर्गन थ्योरम, और दूसरा है टैंक सर्किट इन ऑसिलेटर। यदि इन दोनों में से एक पूछ सकता है वो कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है और टैंक सर्किट जो होता है ऑसिलेटर में उसका क्या काम होता है, अगर शॉर्ट नोट में आता है तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको एक डेढ़ पेज तक आप उसको लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन इन ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट जो होते हैं उसमें ऑसिलेशंस करवाने का क्या क्राइटेरिया होता है, साथ ही आगे वो पूछता है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर और हार्टले और गिन ब्रिज ऑसिलेटर। इनमें से किसी एक ऑसिलेटर के ऊपर वो प्रिंसिपल के साथ साथ उसकी वर्किंग कैसे वो काम करता है उसके बारे में पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थिन फिल्म टेक्नोलॉजी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ई प्रॉम और प्रॉम, इसके बारे में वो शॉर्ट नोट पूछ सकता है थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के ऊपर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है उसके बारे में, और ई प्रॉम और प्रॉम के ऊपर, इनमें से किसी के ऊपर पूछ सकता है, ये सब आपको आने चाहिए। ये सारे 16 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर ऐसे हैं जिन्होंने जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज आप उनको भी देखें, इसका आपको जरूर लाभ मिलेगा। आज के एग्जाम के लिए आज आपका लास्ट एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।